शिख शोभा अतीव सुंदर, एक झलक में चित मेरा, एक झलक में चित मेरा कर लिया चोरी, कौन तुम गोरी। बुझत शाम
पूछे तेरी कलाई है कि गोकुल की मलाई है, चूड़ियां रपटी जा रही है। अरे गुजरिया इतकुल चली आ रही है, कहूं कोई पहचान न ले। समझ गई री, हृदय में जिसका घर है, नहीं मनिहार ये तो वही मनहर है। उंगली धराई तो पकड़ ली कलाई री, दान में काला हमें बरसाने की मार बड़ी विकट है, भैया भाज में बही भलाई है। सखियों के कारण हुए पृथक युगल मन मार, लिलहारी बन कृष्ण फिर करने लगे मुरारी, मैं तेरी राधा प्यारी। अरे, ये तो बड़ा
कर्म भूमि के पथ पर जाने की तुमसे अनुमति मांगने आया। कान्हा, देवी से मानवी होना कितना कठिन है इसका अनुभव मैं भली भांति कर रही हूं। तुम्हारे वियोग की पीड़ा मेरे लिए असहनीय है। मेरा हृदय तुम्हें अनुमति देने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। प्रिय, उस आभास और अनुभव से मैं भी कहां अछूता। केशव, हम तो प्रेम और वियोग की स्वर रचित लीला में ये भूल ही गए कि राधे कृष्ण एक रूप एक आत्मा एकाकार है। हमारा प्रेम सनातन, नाता पुरातन और मिलन चिरंतन। राधे, विदा के इस बेला में तुम्हें प्रिय कारिणी वंशी देते हुए तुमसे एक वचन लेना चाहता हूं। वचन? हाँ, यह वंशी पूर्ववत अनुगुंजित होती रहेगी, हमारी बहाई हुई प्रेम रस की धारा अविरल बहती रहेगी, हम सेवा कुंज में निरंतर मिलते रहेंगे, महारास में अमर मिलन के पुष्प सर्वदा खिलते रहेंगे। वचन दिया कृष्ण, वचन दिया। जाओ योगेश्वर, हेतु पूर्ति के पथ पर तुम्हारी विजय हो। कितना सहज है किसी को विदा देना, परंतु कैसा दुष्कर है विदा जनित दुख को अपना लेना। प्रेम की दीक्षा दे प्रेमेश्वर चला गया, योगिनी मुझे बना योगेश्वर चला गया। संवेदना न आश्वासन न शपथ न वचन, आने की कोई तिथि न बताकर चला गया। जहां राधे वहां कृष्ण, कृष्ण जहां वहां राधे, ऐसा कहकर प्रिय प्राणेश्वर चला। अभी चारों ओर अंधकार का साम्राज्य है, परंतु यह अंधकार क्षणिक है। इसे दूर करने वाले दिव्य ज्योतिर्मय कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं। ब्रजेश्वर नंदराय जी भी वृष्णियों को लेकर अनेक उपहारों के साथ कंस से भेंट करने आए हैं। विरोधाभास देखिए, पापी के घर में धर्म यज्ञ। कुछ भी हो, बुलाने का बहाना बड़ा पवित्र है। भोले नंदराय जी न कंस की चाल समझते हैं, न कंस अपनी होनी से अवगत है। आगामी घटना चक्र से यवनिका उठते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बल हजार हाथी का रखता था जो कुबलया पीड़, बिना शस्त्र उसका वध कर दिया कृष्ण महाबलवीर। कंस के दीर्घ प्रतीक्षित मिलने का दिन आया, अपने काल को भेज निमंत्रण कंस ने स्वयं बुलाया। अगले कुछ पल में ही वे पल आने वाले जिनमें दुरात्मा परमात्मा टकराने वाले। पाप की सत्ता मिटा जगत से, धर्म का ध्वज फहराने रंग भूमि में आ गए दोनों भ्राता रंग जमाने।
देखो महादैत्य को पाठ पढ़ाया ऐसा, कंस नाम का भारी पर्वत तोड़ गया तिनके जैसा।